नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल राइडर दीप्ति बिस्ट में। और आज स्कूटी सीखने का एक और नया बैच आपके बीच लेके आई हूँ। जस्ट अभी मैंने इनको स्कूटी दी ही है। ब्रेक दबाओ बस, ये ब्रेक सफिशियंट होता है। अच्छा। उस ओर केवल एक्सलेटर पे ध्यान देना है। फर्स्ट डे आप ऐसे स्कूटी चलाएंगे, इस ओर एक्सलेटर, अभी एक्सलेटर का कोई रोल नहीं है क्योंकि अभी स्कूटी है क्या ऑफ। अच्छा, न्यूट्रल में है अभी, बंद स्कूटी है। और ध्यान रखिएगा जूता पहनना है आपने, बढ़ाइए, आराम आराम से चलिए। नजर आगे, उधर को उधर को उधर को, छोड़ो ब्रेक, बस घबराइए मत, बिल्कुल नहीं घबराना है। आराम से इस टाइम को बिल्कुल रिलैक्स होके इंजॉय कहूँ क्या कहूँ, मतलब आराम से प्रेशराइज्ड होके नहीं सीखना है। आपने इस टाइम को एंजॉय करते हुए सीखना है, मतलब हाँ चलो एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं सोच के, ऐसा नहीं कि प्रेशर पड़ा है, मुझे आएगा नहीं आएगा, मुझे सीखना ही है, ऐसे नहीं सीखा जाता है। आप रिलैक्स होके प्रैक्टिस करते रहिए, देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर वीडियो में कहती हूँ दोस्तों, हर बार ये ही कहती हूँ, और सबके साथ आती है ये स्कूटी टेढ़ी मेढ़ी होना। जैसे इनका देखिए, ध्यान से देखिए, नज़र बिल्कुल नीचे गड़ाई हुई है, नज़र नीचे नहीं रखेंगे, नज़र आगे रखेंगे बिल्कुल। अभी तक मैंने इनको बताया नहीं कि नज़र आगे रखनी है, तो अभी मैं आप सब लोगों से भी कह रही हूँ कि नज़र एकदम आगे रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, प्रेशराइज होके अगर आप स्कूटी चलाएंगी देन कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। अगर मैं ना, मेरे पे प्रेशर पड़ा होगी, मुझे ना दौड़ के यहाँ पे पहुँचना है, मैं नॉर्मल स्पीड में चलूँ तो मैं गिरूंगी भी नहीं, या मेरे को फटाफट कोई प्रेशराइज्ड कर दे आपको कि इतने समय में आपको ये काम करना है, तो हाथ भी हड़बड़ा जाते हैं। तो वैसा ही इसमें भी है, आपको प्रेशर के साथ नहीं सीखना है, प्रेशराइज्ड होकर नहीं सीखना है, आपको बिल्कुल लाइटली लेके इंजॉयमेंट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप एक परफेक्ट राइडर बहुत कम समय में बन जाओगे। अभी एक राउंड कंप्लीट कर दिया हमने और अभी थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीजमेंट आया है। कैसा लग रहा मैम? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। आपने पहले भी कोशिश करी थी थोड़ा सीखने की घर में? जी जी। लेकिन आई आपको खुद से? नहीं आई थी, गिर गई। कहाँ? ओ इस आलू के झील में। इस आलू के झील में गिर गई मैम। और अभी आज फर्स्ट डे है और बढ़िया तरीके से चलाने लग गई हैं, थोड़ा सा मतलब बढ़िया तरीका क्या होता है, स्कूटी को थोड़ा संभालने लगी है। और फिर आपको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यार एक हफ्ते के अंदर एक परफेक्ट राइडर बन ही जाएंगे। बस ये प्रैक्टिस आपने करनी है, ये देखिए पैर का सपोर्ट लेके आराम आराम से लेफ्ट राइट चलते रहो, लेफ्ट रखवाएं स्कूटी को। आइए आइए आइए, फटाफट आइए, शाबाश, आइए जल्दी जल्दी चलाओ, शाबाश, आओ आओ, वेरी गुड, नज़र आगे, खास ध्यान नज़र का रखना है, बस हो गया, वेरी गुड, कंटिन्यू, शाबाश, मेरे से तेज आओ, मेरे को पार करोगे तो समझो बन गए राइडर, मैं उल्टा चल रही हूँ। ओह माय गॉड, मेरे को पार करने ही वाले, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर दिया मुझे पार, देखा आने लग गए स्कूटी। तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करिए डाउन वाले एरियाज में। और अभी वही सेम लोकेशन, मैं हूँ पिथौरागढ़ के टीआरसी में हैं हम लोग, और ये वाला फूल मुझे ना बड़ा सो वाला बड़ा सुंदर लगता है, ये जो छोटा छोटा पर्पल कलर का है ना। परसों मैंने यहाँ से एक पौधा फूल का छोटा सा उखाड़ के घर पे लगाया, तो लग गया है वो, बहुत बढ़िया तरीके से लग गया है, अभी फैल जाता है ये बहुत अच्छे से। तो अभी टीआरसी के पास है हम, और ये सेकंड राउंड है हमारा, 8-10 हमारे लग जाएंगे, 4 चक्करों में 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, और 1 घंटे के बाद फिर हम वापसी करेंगे अपनी दुकान को।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं दीप्ति बिस्ट्रा आपसे अनुमति चाहती हूँ, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट डे में मैंने जैसा बताया आपको, ब्रेक पे फिंगर्स रहेंगी, एक्सलेटर और ब्रेक, केवल दो चीज़ें आज आपने सीखनी है। स्टॉप करिए, हाँ ये ब्रेक दबा के स्टॉप करना है आपने, और वो एक्सलेटर जब स्टार्ट स्कूटी चल रहे हैं तो एक्सलेटर का ध्यान रखना है कि एक्सलेटर घुमा के बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा एक्सलेटर? ऐसे बढ़ेगा। कम कैसे होगा? ऐसे। कम ज़्यादा करना आ गया ना ब्रेक, और मेन है नज़र आगे रखनी है, यहाँ तो देखना ही नहीं है, सामने। हाँ बिल्कुल सामने, वो जो लाल सूट वाली लड़की दिख रही है उससे भी आगे नज़र रखनी है हमने, ठीक है। इतने दूर हमने देखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि नज़र सामने रखिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी कम समय में अच्छा बैलेंस मिल जाएगा, कम समय में एक बढ़िया राइडर बन जाओगे आप। सेफ राइड करिए, नज़र आगे रखिए। इसी के साथ मैं आपकी दीप्ति बिष्ट आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।